दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। हम हमेशा आमतौर पर राजनीतिक सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम मीडिया पर चर्चा करेंगे। बहुत दिनों के बाद हम मीडिया पर उसके कुछ खास पहलू जो हाल में सामने आए हैं उस पर हम अपनी बात कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने जो 2 सितंबर को एक बहुत महत्वपूर्ण जो टिप्पणी, बहुत महत्वपूर्ण जो एक ऑब्जर्वेशन उस केस की सुनवाई के दरमियान दिया, जो तबलीगी जमात के कवरेज पर एक याचिका के दौरान उठाई गई और याचिकाएं भी अलग अलग संगठनों ने की है, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, टेलीविजन चैनलों की बहुत सारे फुटेज उसमें, जिस तरह से तबलीगी जमात को भारत में कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराने का अभियान चलाया, वो बेहद आपत्तिजनक था। और बहुत सारी और उन्होंने बातें, दलीलें दी हैं उसमें। तो उसी याचिका की सुनवाई में 3 जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनकी बेंच में ये बात चल रही थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो कर रहे। उस पर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हम आज सिर्फ काम की उन बातों को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहां कोई न्यायालय में क्या क्या घटित हुआ, क्या क्या बात हुई, क्या क्या जवाब तलब हुआ, हम उसका पूरा ब्यौरा इस संक्षिप्त चर्चा में नहीं रखने जा रहे हैं। रिपोर्ट ऑलरेडी हो चुकी है, अखबारों में भी हुई है, और कानून को, न्यायालय को कवर करने वाली जो जिम्मेदार वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी किया है। अगर आपको देखना हो तो जरूर उस पर जाइए। हम आप आज केवल 2-3 ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो हमारे मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य न्यायाधीश महोदय की चिंता बिल्कुल वाजिब है कि आखिर फेक न्यूज और नफरत फैलाने वाली, भारत की इमेज को, समाज की इमेज को खराब करने वाली, समाज में एक तरह से खुराफात पैदा करने वाली जो खबरें दिखा दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं, बोल दी जाती हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए। इस पर कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि ऐसी खबरें सबसे अधिक कहां से आ रही हैं, वो झरना कौन सा है जहां ये इस तरह की खबरें झरती हैं, वो फौहारा कहां है जहां से नफरत फैलाने वाली खबरें, झूठी खबरें सबसे अधिक प्रचारित होती हैं। जब अखबार आज की तरह बहुत सारी हल्की फुल्की चीजें नहीं करते थे, बहुत सीरियस कभी कभी दिखते थे एक जमाने में, तब भी उनसे कई बार गलतियां हो जाती थी, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की एक छोटी सी डांट के बाद वो तत्काल माफी भी मांगते थे। लेकिन क्या हमारे टेलीविजन चैनलों में ऐसा होता है, कभी आपने देखा सुना है? तो इस बात का असेसमेंट भी होना चाहिए कि आखिर भारत में फेक न्यूज फैलाने वाले लोग कौन है, एजेंसियां कौन है, वो माध्यम कौन है। लेकिन जो चर्चा हुई उसमें सबसे अधिक जो जिक्र आया सोशल मीडिया, यूट्यूब, वेबसाइट, न्यूज पोर्टल्स का आया। याचिकाकर्ताओं ने जो ज्यादा दलीलें दी थी उनकी तरफ से, उन्होंने जो बहुत सारे फैक्ट्स जुटाए थे, उसमें सर्वाधिक अगर देखा जाए तो टेलीविजन चैनलों का है। अब सवाल उठता है कि अगर रेगुलेशन, जिसकी चर्चा बार बार की जा रही है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक होना चाहिए जो मुकम्मल हो, तो वो तो 2021 में कानून जो आया उसमें भी है, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स को लेकर, और उसके तहत सरकार को काफी अधिकार भी मिल गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो हमारे देश के सर्वाधिक पहुंच वाला मीडिया है, सबसे अधिक जिसकी रीच है, उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है,
ये ठीक है कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ले देकर वो एक रेगुलेशन का एक महत्वपूर्ण एक मंच है, लेकिन उन्होंने अपने को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए जो अपने आप जो प्लेटफॉर्म को तैयार कर रखे हैं उनके प्रबंधकों ने, उनके मालिकों ने, यानी जो न्यूज चैनल हमारे देश में सूचना और प्रसारण के बहुत बड़े मंच हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको देखने वाले हैं, उन्होंने और उनके मालिकों ने मिलकर एक बना दिया अथॉरिटी, उन्होंने एसोसिएशन बना लिया और उसके तहत वो सेल्फ रेगुलेट करते हैं। ये सेल्फ रेगुलेशन उनका पूरी तरह फेल कर चुका है, वरना सबसे अधिक फेक न्यूज अगर देखा जाए तो जिन टेलीविजन चैनलों ने प्रसारित किया, प्रचारित किया, उनके खिलाफ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अखबारों के मुकाबले अगर देखा जाए तो कोई सेल्फ रेगुलेशन, कोई रेगुलेशन का मतलब ही नहीं है टेलीविजन के लिए, लेकिन सारा ध्यान सोशल मीडिया। क्यों? क्योंकि उसमें आम आदमी की आवाज आ रही है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि भारत से जो सोशल मीडिया है अचानक गायब हो जाए, यूट्यूब चैनल खत्म कर दिए जाए, न्यूज पोर्टल्स इररिलेवेंट कर दिए जाए, क्या बचेगा भारतीय मीडिया में? दिन रात ढोलक बजेगी, कहीं ना कहीं मृदंग बजेंगे, कुछ ही लोगों का केवल प्रचार होगा, जो चाहे जैसे चाहे वैसे खबरें चलेंगी। हमने देखा था कि एक राज्य में चुनाव था, उसके पहले ही सुशांत सिंह राजपूत नाम के एक फिल्म अभिनेता की जो मृत्यु का जो मसला था किस तरह से कैंपेन के रूप में उठा था। अभी हम देख रहे हैं कि अपने देश की सारी समस्याओं को दरकिनार कर तालिबान तालिबान तालिबान। आज मैं देख रहा था एक टेलीविजन चैनल पर, कई टेलीविजन चैनलों पर इस तरह का रहा होगा, लेकिन मैंने एक चैनल पर देखा, क्योंकि मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता, कि मानो बम की परेड कहीं हो रही है उसको भारत में दिखाया जा रहा है। अब कौन जानता है ये फुटेज कहां का है, कैसा है, क्यों है, कोई जांच पड़ताल नहीं। तो ऐसे में दोस्तों एक सवाल उठता है, अभी हम केवल कुछ 2017 की केवल फेक न्यूज बताएं, जिसको कि वाकई एक्सपोज किया गया, पर्दाफाश किया गया कि सारी झूठी खबरें थी, लेकिन भारत के सबसे बड़े टेलीविजन चैनलों ने चलाया, सबसे बड़े टेलीविजन चैनलों ने। हम कुछ एक खबरों को आपके सामने बता देते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक खबर चली बहुत बड़े चैनल पर, जामा मस्जिद बिजली बिल नहीं देने से अंधेरे में डूबा। अब ये खबर चली, इसको आल्ट न्यूज ने एक्सपोज किया, ये खबर झूठी साबित हुई। सऊदी अरब में एक फतवे की बात आई जिसमें मर्द अगर भूखा है तो वो कहना नहीं चाहिए, क्या कहा गया हम उन शब्दों को यहां पर उनका प्रयोग भी नहीं करना चाहते। इसी तरह से केरल में कन्वर्जन को लेकर की रेट हाई क्यों है, इस पर फोटोशॉप इमेजेस चलाई गई और सारी की सारी झूठी खबरें परोसी गई। कासरगोड को भारत का गाजा कह दिया गया, ISI की गतिविधियों का सदर मुकाम कह दिया गया कि बहुत ज्यादा इस तरह की गतिविधियां हैं, ये भी एक बहुत बड़े चैनल पर चला, जो इस देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह माना जाता है उसका अपना चैनल था। इसी तरह से दाऊद इब्राहिम के बारे में कि दो बड़े चैनलों ने खबर चलाई कि उनके एसेट्स जो हैं UAE में सीज कर लिए गए और इंडिया की एजेंसीज का हवाला दिया गया। एक चीनी फूड फेस्टिवल में चीनी राजदूत के साथ रॉबर्ट वड्रा, जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं, उनकी तस्वीर दिखाकर सवाल खड़े किए गए, जबकि वो चीनी फूड फेस्टिवल था, उसमें भारत सरकार के मंत्री, एक बीजेपी के बहुत बड़े प्रमुख नेता वो भी शामिल थे, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग थे, लेकिन उस तस्वीर को बिल्कुल अलगा कर पेश की गई। इसी तरह से हमने देखा कि वो खबर जो 2000 रुपए के नोट में नैनो चिप्स की किस तरह से कुछ टेलीविजन चैनलों ने चलाई कि 2000 के नोटों में नैनो चिप लगा है, वो इनकम टैक्स को पता हो जाएगा, RBI को पता चल जाएगा और ये वो, माय गॉड, इस तरह की खबरें चलाई गई उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि दुनिया के किसी भी मीडिया में इस तरह की खबरें चलाई जाती होंगी, लेकिन यहां चली। क्या हुआ?
तो इतने सारे, ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, असंख्य उदाहरण है और दरअसल हर रोज उदाहरण सामने आते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि रेगुलेशन की बात की जाए, लेकिन सरकारी रेगुलेशन से अगर कुछ हो जाता तो ये सब चीजें ठीक हो गई होती। सरकार पर तो स्वयं ही आरोप है, मीडिया के लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से, कि सरकार स्वयं चाहती है कि चैनल अखबार उसके भोंकू केवल बने रहे। तो जो शासन, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, बीजेपी का हो सकता है कि डिग्री का फर्क हो, लेकिन शासन अगर चाहता है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रख दी गई है, यानी दोषपूर्ण लोकतंत्र, तो ऐसे दोषपूर्ण लोकतंत्र में जब सरकारें स्वयं मीडिया को भोंकू बनाना चाहती हैं, तो वो रेगुलेशन कैसे करेंगी, वो रेगुलेट कैसे करेंगी। एक बेहतर लोकतंत्र में ही एक बेहतर मीडिया हो सकता है और बेहतर मीडिया का बेहतर रेगुलेशन भी हो सकता है। सेल्फ रेगुलेशन का भी मतलब तभी होगा। हम सेल्फ रेगुलेशन के पक्ष में हैं, लेकिन वैसा सेल्फ रेगुलेशन नहीं जो टेलीविजन चैनलों के मालिकों के हाथों में थमा दिया गया है। इसलिए मेरा यह मानना है कि भारत के कानून में अनेक प्रावधान है दोस्तों, अनेक प्रावधान है जिससे मीडिया अगर कोई गलत काम करता है, अगर वो गलत बयानी करता है, फेक न्यूज दिखाता है, हेट न्यूज का प्रसारण करता है, खासकर नफरत फैलाने वाली खबरें, उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सकती है। हमारे आईपीसी में, सीआरपीसी में बहुत सारे प्रावधान हैं। तो ये मत भूलिए कि हमारा देश दुनिया के सबसे अधिक कानून और सबसे अधिक कानूनी प्रावधानों वाला देश है। फिर मैं नहीं समझ पाता कि इतना रेगुलेशन, नए नए कानून, केबल नेटवर्क कानून है उसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन फिर भी नए पर नए कानून, ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है, और बिल्कुल मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ हूं कि ये नफरत फैलाने वाली खबरें, ये झूठी खबरें, इन पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन अगर कोई रेगुलेशन की बात सामने आती है, तो दोस्तों जो अब तक के स्वतंत्र भारत में मीडिया के संचालन और सेल्फ रेगुलेशन का अनुभव है, रेगुलेशन का जो अनुभव है, उसकी रोशनी में मैं ये कह सकता हूं कि एक नए ढंग के फ्रेमवर्क के बारे में सोचा जाना चाहिए, जो स्वतंत्र हो और जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं हो, जिसमें समाज के गणमान्य लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन हो और जिसमें बड़े समाजशास्त्री हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं नॉमिनेट कर सकता है अपनी तरफ से, उसका चेयरमैन मुख्य न्यायाधीश अगर व्यस्ततावश न बने तो एक कार्यकारी जो माननीय न्यायमूर्ति हैं वही उसको चेयर करें, या वो चाहते हैं कि वो मेंबर के तौर पे रहें, उनका भी स्वागत है मेंबर के तौर पे भी, और किसी ऐसे व्यक्ति को उसका चेयरमैन बनाया जाए जो चाहे वो न्यायपालिका का हो, चाहे समाजशास्त्र का हो, चाहे वो मीडिया शास्त्र का हो, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर सबका भरोसा हो, सिर्फ जिस पर सरकार का भरोसा हो, ऐसा व्यक्ति मीडिया के रेगुलेशन को नहीं नियंत्रित कर सकता या बेहतर संचालन नहीं कर सकता। तो अगर कोई कंप्लेंट कमीशन बनाना है, कोई मीडिया काउंसिल बनानी है, तो ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में सोचा जाना चाहिए, ऐसी संस्था के बारे में सोचा जाना चाहिए। और कुछ साल पहले मुझे याद है कि यूपीए 2 के आखिरी दौर में एक कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, और उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी एक प्रस्ताव दिया गया था, बल्कि सिफारिश की गई थी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सिर्फ प्रिंट के लिए था। आज भारत में इतने ज्यादा मात्रा में टेलीविजन चैनल आ गए हैं, अब तो न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चैनल इतने सारे चल रहे हैं, क्यों नहीं एक मीडिया काउंसिल बने और उस मीडिया काउंसिल में वाजिब रिप्रेजेंटेशन हो, अच्छे लोग हों, न्यायपूर्ण लोग हों और सरकार के दबदबे में वो ना हो। आज के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं यही कह सकता हूं कि जो सरकार के दबदबे में ना हो, वरना तो सरकार चाहेगी कि उसका टीवी पूरम चलता रहे, सारे के सारे जो चैनल हैं उसी को केवल दिखाएं। हमने देखा किसान आंदोलन पर एक तरफा रिपोर्ट, हमने देखा सीए एनआरसी पर एक तरफा रिपोर्ट, और माफ कीजिएगा, अगर सोशल मीडिया ना होता, यूट्यूब चैनल ना होते, अच्छी वेबसाइटें ना होती, तो सीए एनआरसी से लेकर के और दिल्ली के दंगे के नाम पर
बिल्कुल निर्दोष किस्म के गिरफ्तार किए गए लोग, उनकी कहानियां कौन कहता। सबको देशद्रोही बताकर जेलों में ठूंस दिया जाता, जो आज भी ठूंसे जा चुके हैं कई लोग, जमानतें नहीं होती। तो ऐसे में दोस्तों जनतंत्र का तकाजा है, मानवाधिकार का तकाजा है, न्यायिक तंत्र का तकाजा है, संवैधानिकता का तकाजा है कि मीडिया की फ्रीडम के लिए सोशल मीडिया को निश्चित रूप से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, निश्चित रूप से उसको फ्रीडम उसकी मिलनी चाहिए। अगर कुछ गलत है तो उसको रोकने के हमारे पास असंख्य कानून है, और इस बात की भी पड़ताल जरूर हो और इस पर भी फैसला हो कि तबलीगी जमात को बदनाम करने वाले वे कौन लोग थे जो उसको कोरोना जिहादी बता रहे थे। उन मुस्लिम लोगों को जो इस देश से और दूसरे देशों से आए थे, कोरोना जिहादी, क्या हुआ कोरोना का, कितना फरेब, कितना झूठ फैलाया गया था। तो दोस्तों ये कुछ बातें मैं आज कहना चाहता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।